गाजीबाद के लोनी क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक फ्लैट में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान फ्लैट में मौजूद एक शख्स की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह झुलस गए। जानकारी के अनुसार लोनी इलाके की DLF कॉलोनी में स्थित E8 और E9 फ्लैट के आसपास एक बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। देर रात अचानक ही ट्रांसफार्मर में जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद ट्रांसफार्मर से इन फ्लैटों में जा रहे केबल के माध्यम से दोनों फ्लैटों में भीषण आग लग गई। जैसे ही लोगों ने घर में आग लगते देखा तो भगदड़ मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हालांकि घर में मौजूद कुछ लोगों ने मुश्किल से घर से बाहर निकलकर जान बचाई, लेकिन उसके बावजूद कई लोग बुरी तरह झुलस गए। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया और दमकल विभाग को सूचना दी। वहीं स्थानीय विधायक इसे बिजली विभाग की लापरवाही मान रहे हैं। मैं शिकायत तो हमेशा करती रहती हूँ बिल्डरों के खिलाफ, अपने ये बिजली विभाग के खिलाफ। बिजली विभाग बिल्कुल नहीं सुनता। SDO को मैं बार बार फोन करके ये हमेशा कहती रहती हूँ। अभी हमारे एक हफ्ते पहले, 4-5 दिन पहले 11,000 की लाइन से एक बिटिया खत्म हो गई थी और एक हमारे बुजुर्ग थे वो भी ख़त्म हो गए थे तार डलने से। 11,000 की लाइन गिर गई थी उनके ऊपर, तो वो भी ख़त्म हो गए थे। लेकिन बिजली विभाग सुनने को तैयार नहीं है और हर बिल्डिंग के सामने एक बम का गोला लगा हुआ है, जो हमारे बिल्डरों की बहुत लापरवाही होती है। बिल्डर बहुत ज़्यादा लापरवाही से अपना काम करते हैं। बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। पहले भी 2 घटनाएँ हुई है, उससे पहले एक बच्चे के हाथ कटे थे। तो ये इसी एरिया में, क्योंकि यहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बिल्डरों ने और GDA के अधिकारियों ने मिलकर के जिस तरह से यह निर्माण किया है वो बड़ा घातक है। बिल्डिंग, ये तो चलो बिजली के द्वारा पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हुई है और ये जो मौत हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अभी पत्र लिख करके इनकी मदद कराएंगे। मैंने अभी बिजली के जो चीफ हैं हमारे, उनसे बात की है और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा है। जो भी चाहे बिल्डर हैं, चाहे GDA के लोग हैं, चाहे बिजली के लोग हैं, ये लोग बक्से नहीं जाएंगे। लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ करने का किसी को, मैं समझता हूँ जिस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ है, बहुत दुखद हमारा मन है और ये लगातार DLF में ही हो रहा है। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। हादसे में गंभीर हालत में झुलसे लोगों को दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल फ्लैट में आग लगने का कारण बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट होना माना जा रहा है। पंजाब केसरी TV के लिए गाजियाबाद से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।